कहीं खो न जाए जड़ी बूटी का रहस्य, इसलिए देखिए जड़ी बूटी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको एक जड़ी बूटी दिखा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया जड़ी बूटी है, क्योंकि ये धरा में जितनी भी पेड़ पौधे हैं ये सब जड़ी बूटियां हैं। ये इसकी फलियां हैं, कितनी सुंदर फलियां हैं देख लीजिए, लंबाई में होती हैं। और ये इसके फूल पीले कलर में देख पा रहे होंगे, ये पीले कलर में फूल हैं और ये फलियां हैं। और ये पत्तियां पहचान लीजिए, एक पत्ती में तीन पत्तियां होती हैं और ये फलियां इस प्रकार से होती हैं, पहचान लीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए कितना लगा हुआ है, बहुत ज्यादा पेड़ है, देख लीजिए 400 इसके पेड़ हैं, ये बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसको कई रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करें और इसका फायदा लें। इसको को कई नामों से बोला जाता है, इसको कहीं कहीं पे बोगरा बोलते हैं, कहीं बागरो बोलते हैं, कहीं बोगर बोलते हैं, कहीं तिलपर्णी बोलते हैं, उग्रगंधा, प्रतिगंधा, हुरहुर, हुलहुल, इस प्रकार से इसके नाम हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और इसके फायदे जो है बहुत बढ़िया, ये चर्म रोग में काम करता है, खुजली, कुष्ठ रोग, मलेरिया, अगर मलेरिया का बुखार किसी तरीके से नहीं उतर रहा है तो ये हुरहुर की पत्तियां ले लीजिए और इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए, तो मलेरिया का बुखार खत्म हो जाता है। पेशाब संबंधी किसी भी प्रकार का मर्ज है, अगर पेशाब में जलन हो रही है या पीला पेशाब आ रहा है या रुक रुक कर आ रहा है, तो इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए, आपके बीमारी पेशाब संबंधी ये खत्म हो जाएगी। अगर खून की कोई दिक्कत है, खून कमी है, तो ये खून बहुत तेजी में बढ़ाता है। इसको इसकी पत्तियां पीस करके आप ऐसे जो है पी लीजिए, काढ़ा वगैरह बनाए हुए, और इसका जूस टाइप का बनाइए और पी लीजिए। इसके बीज 3 ग्राम खा सकते हैं और 5 से 10 ग्राम इसका रस पीना चाहिए, तो आपको जो है खून बहुत तेजी में बढ़ाएगा। कानों के रोग अगर किसी प्रकार के हैं तो कान के रोग भी खत्म हो जाते हैं, कफ खत्म हो जाता है। इसके पत्ते खाने से पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर आंतों में कोई दिक्कत है, आंतों की कोई खराबी है, तो आंतें साफ सुथरी हो जाती है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर तक ऊंचा पौधा हो जाता है। इसके पत्ते चिपचिपे होते हैं और बीज 1 से 3 ग्राम तक आप खा सकते हैं, और इसका जो है रस पत्तियां बांट करके 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि किसी वैद्य की जानकारी के बगैर आप इसका इस्तेमाल न करें, इस्तेमाल करें, जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार से है, आपके स्वास्थ्य में कितना हजम कर सकते हैं, हमने बता दिया कि आप इतनी डोज लीजिए, आपका शरीर उसको सहन कर सकता है कि नहीं सहन कर सकता है, तो इस हिसाब से वैद्य से सलाह लेकर के ही इन जड़ी बूटियों का, कोई भी जड़ी बूटी हो, वैद्य की सलाह लेकर के ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ताकत वर्धक चीजें हैं, पहचानिए आप अच्छी तरह से अगर नहीं पहचान पाए हैं। और इसका पत्ता जो है चिपचिपा होता है, इसका पत्ता अगर आप मसलेंगे तो ये चिपचिपापन निकलेगा इसमें, तो इसलिए इसका जो है पत्ता बहुत बढ़िया है, आप इसका जड़ी बूटी में इस्तेमाल करें। और अगर आपने पहचान लिया होगा, हमने पहचान बता दिया है, तो इसके पत्ते चिपचिपे होते हैं और पेड़ पौधा आपने पहचान लिया, इसका अच्छा प्रयोग करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि जड़ी बूटी संबंधी जो भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।